जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कल मीटिंग हुआ था और इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आए हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं बोर्ड पर, सभी बात हम लोग वहीं एक एक करके समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से जानते हैं आज के दिन का इसका कारोबार कैसा रहा। देखिए, इंडियन इन्फोटेक आज ओपन हुआ था 3.11 रुपये पर और दिन भर में इसने 3.17 रुपये का हाई भी बनाया। लेकिन आप जानते हैं कि मार्केट में आज बहुत ज़्यादा गिरावट आया है, इसकी वजह से शाम होते होते इसने 3.10 रुपये पर क्लोजिंग दे दिया। हालांकि आप देखेंगे तो ये कल के दिन से कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है और आज के दिन से तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी 2% का गिरावट आज इसमें देखने को मिला है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ बाज़ार के नीचे जाने की वजह से हुआ है। कंपनी में जितना गिरना था लगभग उतना गिर चुका है यह स्टॉक, अब इसकी बारी है ऊपर उठने की। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो देखिए पिछले 6 माह में यह स्टॉक लगभग 65% गिर चुका है, यानी कि जहां से हाई लगाया था जनवरी में वहां से देखेंगे तो अभी तक 65% या उससे अधिक ही यह टूट चुका है। अब यहां चलते हैं सीधे हम लोग बोर्ड मीटिंग पर और बात करते हैं बोर्ड मीटिंग में क्या नया नया अपडेट निकलकर सामने आया है। तो देखेंगे बोर्ड मीटिंग हुआ था 8 जून को ही, यानी कि परसों, लेकिन परसों इस जो बोर्ड मीटिंग हुआ उसका आउटकम निकलकर सामने नहीं आया। यह आउटकम कल यानी कि 9 जून को निकलकर सामने आया और मैं आज 10 जून को इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें एक एक करके मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हम लोगों के लिए, मतलब जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके काम की खबर है। तो जो सबसे पहला अपडेट है वो है फंड रेजिंग को लेकर। कंपनी पैसा उठाने के लिए विचार कर रही है, बाजार से कंपनी पैसा उठाएगी जिसका उपयोग कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेगी। हम लोग पहले पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा अपडेट है शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कैसे पहुँचाया जाए, इसको लेकर कंपनी कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है। तीसरा अपडेट है अपॉइंटमेंट को लेकर, कुछ नए नए मेंबर्स को कंपनी में अपॉइंटमेंट किया गया है। और चौथा अपडेट है रेजिग्नेशन को लेकर, जो बोर्ड मीटिंग हुआ उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ मेंबर्स के रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया है, यानी कि कुछ लोग कंपनी को छोड़कर जाना चाह रहे थे, उनका बात डायरेक्टर्स ने मान ली है, उनको कहा है ठीक है आप जाइए, उनके जगह पर नए लोगों को अपॉइंटमेंट करने का विचार किया जाएगा। अब आइए हम लोग इस एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फंड रेजिंग को लेकर, यानी कि कंपनी कुछ पैसा उठाने जा रही है। कितना पैसा? कंपनी का कहना है कि लगभग 49.50 करोड़ रुपया फंड रेजिंग के जरिए कंपनी बाजार से उठाएगी। अब इसके लिए हो सकता है कंपनी राइट इशू लेकर आए या IPO लेकर आए, यही दो तरीका है बाजार से पैसा उठाने का, क्योंकि कंपनी अब IPO लेकर तो आ नहीं सकती है क्योंकि शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट हो चुकी है। तो ये दो ही तरीके से बाजार से कंपनी पैसा उठाएगी और इसमें से जिस तरीके से ये पैसा उठाए आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर होल्डर अगर राइट इशू आता है तब तो शेयर होल्डर्स का पहला हक है राइट इशू में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का। तो जिस तरीके से भी कंपनी पैसा उठाए आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। दूसरा अपडेट है शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए, इस पर कंपनी विचार कर रही है। इसमें से एक जो पॉइंट मैंने नोट किया है वो ये है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल्स कंपनी बढ़ाने पर विचार कर रही है। पहले था यह 50 करोड़ और उसको बढ़ाकर अभी 151 करोड़ करने के लिए कंपनी ने कहा है। अब ऐसा कर देती तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि इससे कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ेगा और लिक्विडिटी किसी भी कंपनी में रहना यानी कैश पैसा काफ़ी ज़रूरी होता है। तीसरा अपडेट है अपॉइंटमेंट को लेकर, नए नए मेंबर्स को कुछ अपॉइंटमेंट किया गया है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पद पर जिसको अपॉइंटमेंट किया गया है उनका नाम है विनय कुमार जादव, ये जादव जी हैं, इनको एडिशनल डायरेक्टर के पद पर अपॉइंटमेंट किया गया है। आप सिर्फ इनको ही जानिए, बाकी जो और भी लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया है सबको जानने का कोई मतलब नहीं है, बस आप ये जानिए कि इनको एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। चौथा अपडेट है रेजिग्नेशन को लेकर, रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया है। किसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया है वो देखिए, नाम है श्याम चरण कुमार और श्याम चरण कुमार इस कंपनी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब इन्होंने इस मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है और डायरेक्टर्स ने इनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। अब उम्मीद है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा नेक्स्ट वीक में या इस माह में हो जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें नया MD को अपॉइंटमेंट किया जाए। तो ये अच्छा हुआ कि ये जो MD साहब थे श्याम चरण कुमार, इनका एक्सेप्ट कर लिया गया रेजिग्नेशन लेटर को, क्योंकि किसी काम का आदमी नहीं था ये। इतने दिनों से ये MD था इस कंपनी का, किस कोई भी बढ़िया ढंग का काम इस कंपनी के लिए नहीं किया है। जब से एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना है कंपनी को डुबोने का ही काम किया है, तो ये बहुत अच्छा किया। और इनको जो एडिशनल डायरेक्टर ग्रुप में अपॉइंटमेंट किया गया, ये पहले से भी कंपनी में थे लेकिन दूसरे पद पर थे, तो अब एडिशनल डायरेक्टर ग्रुप में चूंकि इनको अपॉइंटमेंट किया गया है तो कुछ बेहतर करते हुए कंपनी दिख रही है। और भी जो तमाम अपडेट मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी तरह के अपडेट थे लेकिन हमारे काम के नहीं थे लेकिन कंपनी के काम के जरूर थे। तो अब उम्मीद है कंपनी कुछ बेहतर करने जा रही है, तो अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो कुछ समय दीजिए। और वैसे भी नेक्स्ट मंथ में कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत संभावना है कि वो अब बेहतर आएगा।
इसलिए अब आप हिम्मत रखिए और अच्छे दिन आने का इंतजार कीजिए। बेशक इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के अच्छे दिन आते हुए दिख रहे हैं। तो यह कुछ अपडेट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उस कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर आप बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।